तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दूसरे ही दिन बड़ा ब्रेक थ्रू, बैकडोर मुजाकरात शुरू होने का इंकशाफ हुआ है। इमरान खान इंतहाई अहम मीटिंग के लिए लॉन्ग मार्च छोड़कर लाहौर चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साथ लॉन्ग मार्च से मुतालिक बैकडोर मुजाकरात शुरू हो गए हैं। बताया गया कि मुश्तरका दोस्तों के जरिए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुजाकरात करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जानिब से बताया गया कि इमरान खान इंतहाई अहम मीटिंग के लिए लाहौर चले गए हैं। इमरान खान फिरोजवाला में अपने खिताब के बाद लाहौर के लिए रवाना हुए। फिरोजवाला में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने रावी रियान से आगे लॉन्ग मार्च के दूसरे रोज के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। उन्होंने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कोई आजादी देता नहीं छीनना पड़ती है, आजादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती, जंजीरों को तोड़ना पड़ता है। जिसने अवाम को गुलाम बनाया हुआ है, आज मुल्क के सबसे बड़े डाकू को हम पर मुसल्लत किया गया है, हमने मुल्क को उन चोरों से आजाद करवाना है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से दूसरे दिन का इख्तिताम कमोकी में होना था।